हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और क्वेश्चन मेरे को गिवन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग क्यूब रूट टेबल। आपको क्यूब रूट टेबल का यूज करके अब क्यूब रूट निकालना है। पहले हमने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हमने पढ़ा सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड, और यहाँ पे एक मेथड और दे दिया क्यूब रूट टेबल का यूज करना है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप देखना, मैंने क्यूब रूट टेबल का एक चार्ट दिया हुआ है, तो आपने उस चार्ट का यूज करके यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, चार्ट में 1 से लेके 100 तक क्यूब रूट आपको निकाल के दिया हुआ है। 1 से लेके 100 तक की डिजिट का क्यूब रूट आपको निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास 18 का क्यूब रूट निकालना है। इस तरह से लिखोगे, तो जब मैं कह रहा हूं 1 से 100 तक की वैल्यू आपको चार्ट में गिवन है, तो आपने क्या करना, उस चार्ट का यूज करके यहाँ पे 18 का क्यूब रूट लिख देना है। और 18 का क्यूब रूट चार्ट में गिवन है आपका 2.621। दैट्स इट, ये क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद लेते हैं सेकंड, 90। तो 90 का क्यूब रूट मैंने क्या बोला, 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू चार्ट में गिवन है। 1 से 100 तक की वैल्यू का क्यूब रूट चार्ट में गिवन है, तो 90 का क्यूब रूट भी आप चार्ट में से देख लो ना, यह है आपका 4.481। अब लेते हैं थर्ड पार्ट, 270। अब 270 चार्ट में नहीं है बिकॉज 100 तक गिवन है बस। ठीक है, 270 नहीं है, तो 270 का क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। ठीक है, तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन 270 का निकालोगे, तो इस तरह से यह आएगा, मतलब 2 आ गया, 5 आ गया, और इस तरह से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, ट्रिपलेट में से एक वैल्यू ले लेते हैं, 3 का ट्रिपलेट बन गया, एक वैल्यू ले ली, लेकिन 2 और 5 रह गया, तो इसको मैं इसी तरह से अंदर लिखूंगा। 25 का मतलब 25 का 10, बस समझ गए। ट्रिपलेट में से एक 3 निकाल दिया, बट ये 10 का क्यूब रूट रह गया अभी। अब 10 का क्यूब रूट तो चार्ट में है ना, 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू है, तो 10 का क्यूब रूट भी तो है उसमें। तो 10 का क्यूब रूट देख लेते क्या है, 10 का क्यूब रूट गिवन आपका 2.154। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पे वैल्यू देगा आपको इस तरह से, और आपको सॉल्यूशन में भी शो करनी है कि 10 का क्यूब रूट 2.14 है, तो आपने इसकी जगह पे 2.14 रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12, 16, 4, 6.4, 6, 2, बस हो जाए। अब देते हैं इसके बाद फोर्थ पार्ट, 1400। तो ये मेरे को रब करना पड़ेगा, आपने वीडियो को पॉज करना है, साथ साथ क्वेश्चंस को करके देखना है। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, 1400। तो 1400 की भी वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे 1400 का इस तरह से। फाइव से जाएगा, क्लियर, सही हुआ नहीं, 7 to the 14, 5 to the 10, 5 to the 10। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, 1400 है, तो 1400 के लिए मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया, 2, 2, 2, 5, 5, 7। देखो एक चीज का ध्यान रखना, बोला क्यूब रूट टेबल का यूज करने के लिए, लेकिन साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको फॉलो करना पड़ रहा है। तो 2 का ट्रिपलेट बन गया, 1 2 आ गया, 5 का नहीं बन रहा, 7 का नहीं बन रहा। ठीक है, तो देखो इसको मैं ब्रेक करूंगा कैसे, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, 5 5 का 25 25 इंटू 7 175। ठीक है, तो 175 का क्यूब रूट टेबल में नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको अलग अलग करके लिखूंगा, 25 का अलग लिखूंगा और 7 का अलग लिखूंगा, बस समझे, 25 का अलग लिखेंगे और 7 का अलग लिखेंगे, और ये 2 गया मल्टीप्लाई में जो ट्रिपलेट से आ गया। अब देखो यहां पे 25 का क्यूब रूट
तो 25 का क्यूब रूट है आपके पास 2.924, ठीक है, और 7 का क्यूब रूट है आपके पास 1.913। बात समझ आई? ठीक है, अब क्या करना है, आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और यहां पे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 को इससे करना है और फिर इसके बाद जो आंसर आएगा उसको इसके साथ करना है, और साथ में यहां पे आपने शो भी करना है कि 25 का जो क्यूब रूट है 2.924 है और 7 का जो क्यूब रूट है 1.913 है। तो 7 का क्यूब रूट 1.913 और 25 का क्यूब रूट हो गया आपका 2.924। चलो मैं इसको कर ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने क्या किया, इस वैल्यू को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8, 4, 18, 5। ठीक है, अब 5848 है, इसको मल्टीप्लाई करना 1913 से, 24, 14, 24, 14, 24 और 1, 25, 15, 2, 17, 5848, 9, 8, 72, 7, 36, 7, 43, 4, 76, 45, 7, 52, 5848, तो यह आ गया आपका 4, 12, 7, 5, 12, 16, 3, 19, 8, 27, 6, 6, 12, 5, 17, 18, 8, 2, 2, 11, 5, 5, 2, 11। क्लियर, तो ये आ गया आपका 1.87। देखो तीन, पहले मैं वैल्यू लिख देता हूं 187224। देखो तीन और तीन छह, छह से पहले पॉइंट निकालना 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तीन डिजिट इसकी, तीन इसकी, तो तीन और तीन, छह से पहले मैंने पॉइंट लगा दिया तो आंसर आ गया 11.187224। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स पार्ट, 73 और 216 का क्यूब रूट निकालना है, 73 और 216 का। मैंने जैसे आपको बताया कि चार्ट में 100 तक की वैल्यू आपकी गिवन है, 100 तक की वैल्यू गिवन है, तो 73 को मैं चार्ट में से देख सकता हूं। ठीक है, 73 में चार्ट में से देख सकता हूं, 73 की वैल्यू है 4.179, एक सेकंड बाद में लिखेंगे, 216 है, अब 216 चार्ट में नहीं है तो इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेता हूं। ठीक है, क्योंकि 216 की चार्ट के अंदर वैल्यू गिवन नहीं है, तो 2 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स। ठीक है, तो 73 की वैल्यू मैं डायरेक्ट देख सकता हूं 4.179, लेट मी चेक अगेन, 4.179। और इसमें क्या हुआ, ट्रिपलेट में से एक एक वैल्यू, तो एक 2 आ गया आपका और एक 3 आ गया, तो क्या बन गया, 2 3 6, 2 3 6। अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 4.179 को डिवाइड करोगे तो 6 6 36 पॉइंट आ गया, 6 6 36 5 57 6 9 54 3 39 6 6 36 0.696 फाइनल आंसर। क्लियर, सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 4.4। इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।